दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा असर कारक काले धागे का उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपको करने के बाद आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको प्रत्येक कार्यों में कामयाबी मिलने लगेगी और जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी आपके कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधाएं लाती है, घर में अशुभता लाती है, वो इस उपाय को करने से खत्म हो जाएगी। ये काले धागे का उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। शनिवार के दिन अगर कर लें तो भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी। प्रत्येक कार्य में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है नकारात्मकता, जो आपके कामों में बाधाएं लाती है। कितने ही आप मेहनत मशक्कत कर लो, मगर आपको उसके अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंताएं बढ़ती है, साथ ही क्लेश में लेकर घर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच में संवाद मधुरता गायब हो जाती है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती है। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी हुई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर चले जाते हैं। लेकिन आज के ये उपाय ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोष को दूर कर देगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है ये। दोस्तों काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू बंद में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचा कर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने से जो ऊर्जा होती है, हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर लगती है, किसी इंसान को नजर दोष लग जाता है, किसी तंत्र मंत्र का सामना करना पड़ता है, बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाती है, किसी की बुरी नजर हाई लग जाती है, तब इन पांच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला धागा जो काला रंग होता है, ये नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मकता की जो ऊर्जा होती है आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इससे अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है, काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर लग जाती है, काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाते हैं, काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदैव बुरी शक्ति से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी भी शनि मंदिर में जाना है, शनि मंदिर में लेकर जाएं या फिर हनुमान मंदिर पर लेकर जाएं। अगर आप शनिवार के दिन जाते हैं तो शनिदेव को जो आपने सरसों का तेल चढ़ाया है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो कर देना है, फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर लगा लीजिए, और साथ ही आपको धागे पे 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान शनिदेव से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त और आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन संबंधित, नौकरी संबंधित, संतान संबंधित,
वैवाहिक जीवन से संबंधित विवाह न होना, कई प्रकार की समस्या जो आपके नहीं बन रहे, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो जो समस्या है कार्य में जो अड़चने आ रही है, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, पारिवारिक जीवन में कलेश कलह हो, हर समस्या भगवान को बता दीजिएगा। एक गांठ बांध दें और फिर एक समस्या बोल दें। जैसे आपने एक समस्या बोल दी तो एक गांठ बांध दें। इस तरह से आप सात समस्याओं हुए तो सात गांठ बांध दें इस काले धागे पर। फिर भगवान शनिदेव के चरणों में एक दीपक जलाकर, यानी कि सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद जिन जिन धागे में आपने गांठे लगाई है उस धागे को दीपक के ऊपर से सात बार घुमा लें। घुमाते समय ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर आप क्या करें, इस दौरान किया गया ये जो उपाय है, इसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी से बोलना नहीं है, चुपचाप अपने घर पर चले आना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख देना है। अब उस धागे को अपने या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपने ये उपाय करना चाहते हैं या फिर किया है, उस व्यक्ति के बाजू बंद में बांध दीजिएगा। जी हाँ, ऐसा करने से ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, किसी भी प्रकार की समस्या है दूर हो जाएगी। बाजू बंद में बांध दें, गले में बांध दें तो बेहतर होगा। अगर धन की समस्या है, व्यापार में आपको तरक्की नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन आप क्या करें, एक काला धागा लेकर जाएं और शनिदेव के चरणों के पास आप रख दें, और शनिदेव के चरणों के पास अगर कोई सरसों का तेल लगा है तो उसे थोड़ा सा इसमें लगाकर आप अपने यानी कि गले में बांध लें, या फिर आप अपने दाहिने हाथ में बांध लें। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। आमदनी और धन के स्रोत बढ़ाने के लिए, ताकि कई जगहों से धन का स्रोत बना रहे आपके घर में, तो क्या करें, काला धागा शनि मंदिर लेकर जाएं और शनि देव के चरणों के पास इस काले धागे को रख दें। और फिर आप शनिवार के दिन आप इसे क्या करें कि ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस धागे को लेकर आए और आप अपने धन के स्थान पर बांधें, जहां पर आपकी तिजोरी है, आलमारी है, वहां पर इस काले धागे को बांधें। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, कई जगहों से धन का लाभ होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस धागे को अपने मुख्य दरवाजे के पास बांधते हैं तो घर में बुरी नजर प्रवेश नहीं करेगी, सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और अगर धन के स्थान पर बांधते हैं तो धन बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये काले धागे से जुड़े उपाय जरूर करिएगा, बेहद लाभ होंगे। दोस्तों, अगर आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपार खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।